नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर पे जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर रहता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो होती है इसकी मेनली यही होती है कि जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये चलता नहीं है बिल्कुल भी, एकदम डेड रहता है। तो ये सही पहले चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो अभी मैं देखिए इसको जो है वो सप्लाई में लगा रहा हूँ और अभी हम इसे ऑन करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है घूम नहीं रहा है। तो अभी हम इसे जो है चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो दो तीन ही प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है और चलता नहीं है। इसे आप अपने बड़े आराम से घर पे भी चेक करके जो है अपने आप इसे ठीक कर सकते हैं। मैं जो है आपको प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। ये फिलिप्स कंपनी की जूसर मिक्सर है। तो आपके पास अगर कोई और ब्रांड का भी होगा तो भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। इसमें जो है बस बाहर का जो कवरिंग रहती है और ये बटन्स वगैरह का जो सिस्टम रहता है ये अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रहता है, लेकिन जो अंदर से मशीनरी है वो बिल्कुल सेम रहती है। इसका प्रोसेस वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपकी मिक्सी है उसके बैक साइड पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके स्क्रूज़ है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें तो ये जो स्क्रूज़ हैं ये रबर के पीछे रहते हैं। अगर आपके पास कोई और होगी तो हो सकता है उसे के बाहर में ही कहीं भी स्क्रूज़ दिए होंगे, तो आप उन्हें ढूंढ लें और आपको जो हों स्क्रूज़ जो हैं वो सारे के सारे खोल लें। तो मैं अभी आपको जो है सारे को सारे स्क्रूज़ खोल के उसके बाद मैं जो आपको दिखाता हूँ। तो आपने जैसे मैंने इसके स्क्रूज़ वगैरह जो है सभी खोल लिए हैं, तो बस इसके हमने जो है ये बैक्स कवर जो है निकाल देना है। देन उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी जो है मोटर रहती है और ये इसका स्विच है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हम चेक करनी है चीज़ वो है ये इसकी जो वाइंडिंग है। अगर आपको दिख रहा हो तो गोल्डन गोल्डन कलर की दिख रही है, तो आपको ये सबसे पहले यही चेक करना है कि ये जो वाइंडिंग्स है मोटर की और मोटर की साइड में जो है ये दो तरफ को होगी, तो आपको इसको चेक कर लेना है कि ये ब्लैक तो नहीं पड़ी हुई है। थोड़ा सा इसे घुमा घुमा के भी देख लेना है। अगर आपको ये कहीं से भी जो है इसे घुमा के भी देख लें, अगर कहीं से भी आपको ये ब्लैक दिखे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखे, तो ये समझ लेना कि आपकी जो मोटर है वो ख़राब हो गई है और आपको जो है नई मोटर को जो है आपको या तो नई मोटर डलवानी पड़ेगी या आपको ये ही दोबारा रिवाइंड करवा के डलवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है हमें जो है ये जो कई बार जो होती है आपकी जो पावर सप्लाई के लिए जो तार दी होती है ये भी पावर कोर्ड में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ये कहीं बीच से कट जाती है लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो हमें ये भी चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो इसके दो तरीके, अगर तो आपके पास मल्टीमीटर है तब तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपको जो है वो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे सेट करना है। देन जो आप देख सकते हैं ये जो आपका वायर है इसकी सप्लाई आ रही है, एक जो यहाँ पे जा रही है ये देखिए यहाँ से आके ब्लैक कलर की वायर यहाँ पे जा रही है और एक जो है रेड वाली यहाँ पे जा रही है। तो आप जो है इस रेड वाली को थोड़ा सा ऐसे निकाल लें और एक जो आपको यहाँ पे पिन लगानी है और दूसरी जो है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये देखिए इसमें जो रीडिंग आ रही है इसका मतलब ये हमारी वायर ठीक है। ऐसे ही हम जो है ब्लैक वाली को चेक कर लेंगे।
आप देख सकते हैं इसमें भी रीडिंग आ रही है। इसमें भी रीडिंग आ गई, तो ये हमारी दोनों वायर जो है एकदम सही है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आपको जो है कोड जो है ये पावर सप्लाई में लगानी है, और उसके बाद जो आपके पास अगर टेस्टर है, टेस्टर पेन पड़ा हुआ है, तो आप उसके साथ जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो तो येलो कलर की जो है लाइट जल रही है एकदम से, जैसे मैंने इसमें लगाया ब्लैक कलर में, तो हमारी जो ब्लैक कलर की तार है तार जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हमें दूसरी वायर भी चेक करनी है, ये जो रेड वायर है ये सही है कि नहीं, आपको जो अपनी पावर कोड को घुमा के लगा देना है, इससे जो है आपका फेस जो है चेंज हो जाएगा। इस बार जो है रेड कलर में पावर सप्लाई आ जाएगी, देखिए इस तरह से हम जो है अपनी पावर कोड को चेक कर सकते हैं। वो मोस्टली जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रहती है इसमें, हर मोटर में जो है यहाँ पे साइज़ में यहाँ पे कार्बन ब्रशेस रहते हैं, तो आपकी मोटर होगी उसमें भी यहाँ पे दो कार्बन ब्रशेस लगे होंगे, एक यहाँ पे लगा होगा एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे लगा होगा। ये स्प्रिंग लोडेड रहते हैं तो कई बार जो इनके कनेक्शंस जो लूज़ हो जाते हैं यहाँ से, कहीं शोल्डर की होते हैं, कई बार ये ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको जो है ये चेक कर लेने हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपके जो कार्बन ब्रशेज हैं वो पूरी तरह से जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गए, मतलब कि आपके रगड़ के वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे मोटर के साथ, तब भी ये मोटर जो आपकी रन नहीं करेगी, तो उसको जो है चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल आपको ये खोल, वैसे तो ये खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये बिना खोले देखना हो तो आपका जो यहाँ से ये स्पिंडल है इसे आपको उल्टी तरफ को घुमाना है, ये इसकी क्लॉक सही डायरेक्शन है और ये उल्टी तरफ है। जैसे आप इसे उल्टी तरफ को घुमाएंगे तो हल्की सी क्लिकिंग आवाज आएगी, मुझे नहीं पता कि आपको ये सुनाई दे रही है क्लिकिंग की आवाज़ कि नहीं, जैसे आप करेंगे तो क्लिक क्लिक करेगी, अगर ये क्लिक क्लिक कर रही है इनकी आवाज़ जो है आ रही है तो समझ जाइएगा कि आपका जो कार्बन ब्रशेज है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आप यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस हैं इनको एक बार खोल के लगा दें या देख लें कोई लूज तो नहीं है, और सभी को जो चेक कर लें। अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी जो प्रॉब्लम आती है वो नई मिक्सीज में भी आ जाती है और पुरानी में भी, तो ये जो हमारा बैक साइड पे एक स्विच दिया होता है इसे हम ओवरलोड प्रोटेक्टिंग स्विच बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है जो पावर कटआउट स्विच, और भी इसके कई नाम से इसे जाना जाता है। तो मेनली इसका काम ये होता है कि जब भी आपकी मिक्सी के ऊपर जो है लोड ज़्यादा पड़ रहा है या इसे आप ज़्यादा देर तक ऑन रखते हैं तो ये जो स्विच है उस वक्त ये आपकी जो पावर है उसे कट आउट कर देता है और आपकी मिक्सी जो बंद हो जाती है। तो कई बार जो है ये स्विच जो है ख़राब हो जाता है, तो इसका जो हम पता लगाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है कि या तो हमें ये दोनों की दोनों वायर जो आप देख रहे हैं इसमें जा रही हैं इन दोनों को निकाल लें, इनकी जो ये सेफ्टी दी हुई है इसे थोड़ा थोड़ा पीछे कर लें, और जो आपका पावर कोड है उसे लगाएं, और इसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी आपका जो स्विच वगैरह है उसे ऑन कर लें, फिर इन दोनों तारों को जो है वापस से मिलाएं और अपनी मिक्सी को जो है पकड़ के रखिएगा। अगर ये सही होगा तो देखिए जिस तरह से मिलाते ही आप देख सकते हैं कि मिक्सी की जो आवाज़ आ रही है इसका मतलब जो हमारा ये जो स्विच है ये ख़राब है।
आप अभी देख सकते हैं कि मैं जब इसमें वापस इनको लगा रहा हूँ तो जो ऑन करने पे मिक्सी जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो ये पावर कट ओवरलोड स्विच जो है वो ख़राब है। तो अब जो है वो पावर कोड को निकाल लें और इसे जो है आपको जो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे खोलना बेहद आसान है, आपको जो है इसे जस्ट घुमाना है। इसके साथ में जो है एक नट लगा होता है बैक साइड पे, ये देखिए, इसके साथ जो है चेंज हो जाएगा। आपको जो है बाज़ार में जा करके जब जाएंगे तो आप जो है इसकी जो है ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हिलाइएगा। जैसे इस पे लिखा है 1.6 एम्पियर तो 1.6 एम्पियर का हिलाइएगा। अगर आपको बाय चांस नहीं मिलता है इतना तो आप 1.5 का 1.7 का तक ही लाइएगा, इससे ऊपर ना जाइएगा वरना आपकी मोटर जो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं बाज़ार से 1.6 का ही लेके आया हूँ। तो अभी हम इसको लगाएंगे। सिंपली आपको जो है इसकी जो है वायर है लगा देना है। और आप जो है अभी इसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो चलना शुरू हुई है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे ऑन कर रहा हूँ चलना शुरू हो गई। तो ऐसे ही आप अपनी जो मिक्सी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई और भी दिक्कत पेश आती है तो उसके बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सके तो मेरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद।